नमस्कार, सबसे तेज खबरें देख रहे हैं भोरे भोरे खास एपिसोड में। सबसे बड़ी खबर अदानी पटना की है, जहां बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। देर रात पुलिस की रेड हुई, जिसमें 8 लड़कियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने गर्दनीबाग जगनपुरा थाना इलाके में छापेमारी कर सेक्स रैकेट के सरगना समेत 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां यूपी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लड़कियां बुलाई जाती थी। ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में भी जाती थी। ग्राहकों से डील होने के बाद उन्हें होटल में भेज दिया जाता था। दूसरी सबसे बड़ी खबर की हम बात करें तो एक लड़के ने दावा किया है कि 4 लड़कियां ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवक का दावा है कि पता पूछने के बहाने उसने कार रोकी और एक ने उसे अंदर खींच लिया। खींचने के बाद उसे शराब पिलाया गया और फिर पारा पारी शराब पिलाकर उन लोगों ने रेप किया। दावा करने वाला लड़का जलंधर के एक लेदर फैक्ट्री में काम करता है और घर के लिए जा रहा था, तभी इस दरमियान उसके साथ घटना घट गई। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात आज पटना में हुई। ठाकरे ने कहा है कि मैं और तेजस्वी यादव लंबे रेस के घोड़े हैं, हम दोनों युवा हैं और दोनों देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि मैं पटना आकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार के प्रशासनिक गलियारे से खबर आ रही है कि सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा से 25 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जिलों से डीटीओ को तैनाती भी की गई है। इसको लेकर सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान तैयारी कर चुके हैं। चिराग पासवान भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। वैशाली में पेट्रोल टैंकर फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर पेट्रोल टैंकर के फटने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर गरौल थाना पुलिस पहुंची और वहां जांच में जुट गई है। खबर गोपालगंज से, बरौली अंचल के सीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएम के आदेश पर ही कलेक्ट्रेट कैंप से ही पुलिस ने सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सीओ के खिलाफ दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली थी। लालू प्रसाद यादव फिर से एक्शन में, सिंगापुर जाने से पहले जगदानंद और सिद्दकी से मिले लालू प्रसाद यादव। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर। नमस्कार, देसी न्यूज बिहार की खास एपिसोड देख रहे थे भोरे भोरे फटाफट 10 खबरें। अगर यह एपिसोड अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिएगा। रोज प्रतिदिन यह खबर आपको मिलते रहेंगी सुपर फास्ट। अंत में शुक्रिया।